स्टूडेंट वेलकम टू माई चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल. आई एम शबनम खान. न्यू चैप्टर, न्यू बिगनिंग, न्यू टॉपिक एंड न्यू एनर्जी, इन सब के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर इनफैक्ट लास्ट वीडियो से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन का जो भी था उसके बारे में देखा कि क्या है इस चैप्टर में, क्या पढ़ना है. ठीक है, अब जो उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया वेरिएशन. वेरिएशन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है. बट क्योंकि वेरिएशन जो है स्टार्टिंग का ही मेन पॉइंट है, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे की जो चीज़ें हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, वो वेरिएशन को ही दिखाने के लिए हुए हैं कि किस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वेरिएशन दिख रहा है. ठीक है, तो वेरिएशन को अच्छे से समझना, और जब भी कुछ इसके बारे में है तो इतना अच्छा क्लियर पॉइंट होना चाहिए कि जब भी इसका डिस्कशन हो या इससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट की बात आए तो आप अच्छे से समझ सको. ठीक है, तो आज हम लोगों ने वेरिएशन लिया है, देन एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन जो सेकेंड टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक में. ठीक है, तो वेरिएशन को हम एक बार और देखते हैं और अच्छे से बेहतर समझते हैं. वेरिएशन क्या होता है, मैंने लास्ट डिस्कशन जब हमारा हुआ था तो हमने उसमें बहुत से यू नो एग्जांपल्स डिस्कस किए थे. जैसे कि मैंने ईयर लोब का किया था कि जो हमारा ईयर जो नीचे होता है, इस तरह से लटकता हुआ जो ईयर लोब होता है, क्या होता है कि एक ही फैमिली की अगर बात करें तो उसमें अगर आप खुद के भी ईयर लोब देखो और अपनी सिस्टर के देखो, अपने पेरेंट्स के देखो, दे आर लिटिल बिट डिफर. क्योंकि इस यहाँ पे वेरिएशन इस तरह से दिख रहा है कि ईयर लोब का जो यू नो शेप या जो भी चेंजेस के अगर हम बात करें तो वो दो ही टाइप से हो सकता है. एक तो होता है कि फ्री ईयर लोब, ठीक है, वो फ्री है, इस तरह से यू नो हैंग कर रहा है. और दूसरा होता है कि वो अटैच जो होता है आपके चिक से, आपका ये जो चिक है उससे वो ईयर लोब क्या होता है, अटैच्ड होता है इस तरह से. मतलब उस तरह से वो अटैच्ड होता है. मैं यहाँ पे एक डायग्राम दिखा देती हूँ. ये ईयर लोब है, ये आपका चिक है. तो कुछ ईयर लोब जो होते हैं इस तरह से हैंगिंग होते हैं, ये हैंग है. ठीक है, और कुछ क्या होंगे कि ये चिक से इस तरह से बिल्कुल अटैच होंगे. यहाँ पे देखो ये अटैचमेंट नहीं है, बट यहाँ पे ये फुल्ली अटैच हो जाएंगे, जिससे ये फ्री ईयर लोब नहीं रहेगा, ये अटैच्ड ईयर लोब हो जाएगा, जिससे यहाँ का ये जो लेंथ है, ये जो इतना स्पेस है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली जाके यू नो आपके चिक से अटैच हो जाता है. अटैच तो यहाँ पे भी है, मगर यहाँ पे क्या है, वो उसका जो नीचे का पोर्शन है ईयर लोब, वो थोड़ा हैंग हो रहा है, थोड़ा फ्री है. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ईयर लोब जो है चिक से फुल्ली अटैच्ड होता है, जिससे ये फ्री ईयर लोब का स्पेस होता है वो उस पर्सन में कम होता है जिसका डायरेक्टली अटैच्ड होता है उसके चिक के पोर्शन से. ठीक है, तो दिस आर अ डिफरेंस व्हिच वी आर इजीली ऑब्जर्व इन आवर फैमिली मेंबर. काफी इजीली ये हमारे फैमिली में किसी ना किसी का दिख जाएगा डिफरेंस. तो यही है बच्चों वेरिएशन, ये इसी को हम वेरिएशन कहते हैं. कुछ डिफरेंस जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन या उसी जनरेशन में लिटिल बिट हमें दिखता है, या तो ऑफस्प्रिंग में दिखता है, या तो सिबलिंग्स में दिखते हैं, पेरेंट्स जैसे जो हमारे यू नो ब्रदर सिस्टर जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं, हम चार हैं, हमारा जो सिबलिंग है हम चार सिबलिंग्स है, तो हम चार में भी बहुत चीज़ों का डिफरेंस दिखता है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, वो था ईयर लोब का, जो लास्ट वीडियो में भी मैंने लिया था, क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और इसको इजीली हम ऑब्जर्व कर भी लेते हैं कि किसी का फ्री ईयर लोब रहता है और किसी का डायरेक्टली अटैच्ड होता है. ठीक है, ये बात हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग है उनमें इस टाइप के डिफरेंसेस दिखते हैं. ठीक है, दूसरी डिफरेंसेस की बात हमने की थी हाइट की. हम फैमिली मेंबर्स जितनी भी हो, चार हो, छः हो, आठ हो, एक फैमिली में रहते हैं, अगर हाइट की बात करें तो उसमें अगर उस फैमिली में सब बहुत लॉन्ग हाइटेड के, तो उसमें जरूर कोई एक मीडियम हाइट का दिख जाएगा. अगर शॉर्ट हाइटेड नहीं होगा बट मीडियम हाइट का या एवरेज हाइट का दिख जाएगा. अगर बहुत ज़्यादा सब यू नो एवरेज हाइट के, तो उसमें कोई एक जरूर थोड़ा लॉन्ग टॉल होगा ही. तो ये क्या होता है, वो बच्चा उस जनरेशन में एक वेरिएशन शो कर रहा है अपने पेरेंट्स से या फिर अपने सिबलिंग से.
ऐसा नहीं कि पेरेंट्स से ही वेरिएशन शो करना है। अगर चार भाई बहन है तो उसमें तीन की एक एवरेज हाइट है, एक थोड़ा लंबा सा निकल गया और यू नो उसकी हाइट उन तीनों से ज़्यादा हो गई, तो ये बच्चा वेरिएशन शो कर रहा है अपने सिबलिंग से भी देन अपने पेरेंट्स से भी, क्योंकि उनके पेरेंट्स की भी हाइट क्या थी, मीडियम हाइट थी, एवरेज हाइट थी। तो चार बच्चे हुए उन पेरेंट्स से। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये मान लो एक पेरेंट्स से एक पेरेंट्स से, ठीक है, इनकी मेटिंग से जो है चार बच्चे हुए, ये चार बच्चे हुए, ठीक है, तीन की तो एवरेज हाइट रही, बट एक जो चौथा बच्चा है वो उन तीनों बच्चों के कंपैरिजन में उसका हाइट जो है वो टॉल हो गया ना। तो क्या हुआ, उसने अपने पेरेंट्स से भी वेरिएशन शो किया और अपनी सिबलिंग से भी वेरिएशन शो किया। अब उसकी शादी किसी भी लड़की से होगा तो उनके जो बच्चे होंगे वो अपने भाई बहन के बच्चों से उनके बच्चों की हाइट ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा थी, ठीक है। और बाकी जो ये तीन इनके ब्रदर सिस्टर हैं वो सब एवरेज हाइट के हैं, तो अगर उनकी शादी एक एवरेज हाइट के ही पर्सन से हो गई तो उनके बच्चे भी हो सकता है कि एवरेज हो या उसमें से भी कोई एक थोड़ा टॉल हो जाए, या हो सकता है कि उसमें से कोई शॉर्ट हाइटेड भी हो जाए। तो ये सब जो वेरिएशन है जो अपने पेरेंट्स से डिफर करता है या अपने सिबलिंग से डिफर करता है, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन, ठीक है। तो हम लोग ने ईयर लोब का वेरिएशन लिया, हाइट का वेरिएशन लिया। अब जैसे कि हम यू नो आइस कलर का भी वेरिएशन ले सकते हैं। आइस कलर क्या होता है कि भाई पेरेंट्स के आइस तो ब्लैक है या ब्राउन है, मान लो कि मम्मा के आइस जो है वो ब्राउन है, पापा के आइस जो है वो ब्लैक है, दोनों के जो बच्चे हुए, मान लो दो बच्चे हुए, तो पता चला कि एक की आइस तो थोड़ा ब्राउनिश है और एक की थोड़ा सा डिफर कर गई, थोड़ा सा और यू नो ग्रीनिश टाइप की हो गई। तो क्या हुआ, पेरेंट्स की तो यू नो बहुत नॉर्मल कलर है, ब्राउन है, ये ब्लैक है, एक बच्चे की तो चलो ब्लैक हो गई या ब्राउन हो गया, बट जो दूसरा बच्चा हुआ उसका आइस कलर अपने पेरेंट्स और अपने सिबलिंग से डिफर कर गया। अब उसके जो बच्चे होंगे उनकी आइस कलर अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती या उनसे थोड़ी बहुत डिफर करेगी, तो वो क्या करेंगे, वो अपने यू नो दादा दादी से या नाना नानी से भी डिफर कर गए ना, क्योंकि अब उसकी जनरेशन में उसके बच्चे उसकी आइस पा गए या अपने पापा की आइस पा गए या उन दोनों की कॉम्बिनेशन से कोई और आइस कलर हो गया। तो अगर हम उनको देखेंगे तो उनके नाना नानी को हम नहीं पहचान पाएंगे कि ये उन्हीं के बच्चे हैं। पेरेंट्स से तो थोड़ा बहुत वो मिलेंगे, मैंने बोला ना कि 50-50 कैरेक्टर्स या 50-50 यू नो जो कैरेक्टर है, बिहेवियर है या नेचर है, वो कुछ कुछ पेरेंट्स जैसा बच्चों में दिख जाता है, बट वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरह मिले ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। तो वो देख के हम पेरेंट्स को तो बता सकते हैं कि चलो इनके बच्चे हैं ये, बट अगर ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम बच्चों को देख के उनके ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बता सकें, क्योंकि अब वो दूसरी या तीसरी जनरेशन में है और इन एक दो जनरेशन में इतनी चेंजेस हुए कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये है वेरिएशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है वेरिएशन बहुत अच्छे से यू नो दिखने लगता है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वेरिएशन क्या है, द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। यानी हमने जो भी बात करी है कि एक पॉपुलेशन है, एक फैमिली है, जिसमें कुछ इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से डिफर कर गए या अपनी सिबलिंग से डिफर कर गए उस स्पीसीज में, मान लो कि हम एक ह्यूमन बींग हैं, हम एक मेम्बर्स एक स्पीसीज है, उसमें वो डिफर करके एक दूसरे से वो इंडिविजुअल, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। ये लोब का वेरिएशन में मैंने अभी एग्जांपल दिया, टॉलरेंस का दिया है, आइस कलर का दिया है, इनफैक्ट हेयर कलर या हेयर टेक्सचर भी डिफर कर जाता है वेरिएशन टू वेरिएशन। अब मान लो कि फादर का हेयर जो है थोड़ा कर्ली है, माँ का थोड़ा वेवी है, या फिर मान लो स्ट्रेट ही मान लो। अब जो बच्चे हुए उनमें से एक का जो है वो कर्ली फादर की तरह बाल हो गए, एक का बच्चे का यू नो माँ की तरह स्ट्रेट बाल हो गए, बट एक बच्चा ऐसा हुआ जिसके दोनों के कॉम्बिनेशन से बाल ना ही स्ट्रेट है ना ही कर्ली है, एक मीडियम वेवी टाइप का उसका हेयर टेक्चर है। तो क्या हुआ, वो डिफर कर गया, एक तो पेरेंट्स की तरह बाल पा गए, एक मतलब पापा की तरह बाल पा गए, एक माँ की तरह बाल उसका हो गया टेक्चर, बट जो थर्ड वाला हुआ वो उन दोनों के मिक्सचर
से एक मीडियम एक एवरेज टाइप का हेयर का उसका एक टेक्सचर बना जो पेरेंट्स से डिफर कर गया, बट है तो वो उन्हीं का बेबी और वो सिबलिंग से भी डिफर कर गया, तो दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। द थर्ड बेबी शो द वेरिएशन अमंग दिस स्पीसीज अमंग दिस पेरेंट्स अमंग देयर सिबलिंग, तो दे आर ही इज शोइंग द वेरिएशंस अमंग द यू नो फाइव मेंबर्स इन द फैमिली, और द थर्ड वन द थर्ड सिबलिंग इज शोइंग द वेरिएशन यू नो अमंग देयर सिबलिंग और पेरेंट्स। ओके, तो ये होता है वेरिएशन। ठीक है, अब जो है वेरिएशन तो हम लोगों ने अच्छे से समझ गया, अब एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन की बात करें कि एक्युमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, वेरिएशन किस तरह से इकट्ठा होकर जनरेशन टू जनरेशन शो होता है उसकी अगर हम बात करें, तो एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन देखो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर करते हैं तो वेरिएशन हमको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ही देखने को मिल जाता है, लिटिल बिट होगा बट होगा, बट अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो बहुत ही मुश्किल होता है हमें देखने में। देखो अगर हम एग्जांपल करें एक बैक्टीरिया को लें, एक बैक्टीरिया है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके और यू नो दो तीन बैक्टीरिया में डिवाइडेड हो गई है, दो तीन उसके जो भी यू नो बेबीज जो भी बैक्टीरियाज बने वो बन गए, ठीक है, तो पेरेंट्स बैक्टीरिया तो नॉर्मल बैक्टीरिया था, बट जो उसके जो भी यू नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी बैक्टीरिया न्यू बैक्टीरिया बने उसमें क्या हुआ कि एक जो बैक्टीरिया था वो हीट रेजिस्टेंस हो गया। देखो इन्वायरमेंटल वेरिएशन भी होता है, ठीक है, जैसे अभी का वेदर क्या है कि बहुत ज़्यादा आज कल के वेदर में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, हीट कहीं कहीं टेम्परेचर 40 से क्रॉस कर जाता है, तो क्या होता है ये इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना पड़ता है, जो एनिमल्स हैं जो स्मॉल यू नो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उनको ये सब यू नो हीट इतना ज़्यादा होने पे वो डाई हो जाते हैं, बट ऐसा हरदम चलेगा ये ज़रूरी नहीं है। तो देखो इन्वायरमेंटल वेरिएशन भी किस तरह से आता है, अब उसके जो बैक्टीरिया से जो और बैक्टीरियाज बने उसमें से कुछ बैक्टीरिया जो है हीट के अगेंस्ट जो होता है रेजिस्टेंस शो करने लगे, यानी अगर हीट 40 है तो वो उसमें अच्छे से सर्वाइव कर गए, बट उनके साथ जो और बैक्टीरियाज जो हुए वो सर्वाइव नहीं कर पाए क्योंकि उनके अंदर वो रेजिस्टेंसी नहीं थी जो और बैक्टीरियाज के अंदर थी, तो ये क्या हुआ कुछ बैक्टीरिया ने इन्वायरमेंटल अपने अंदर चेंजेस उनके बॉडी में आए जिससे वो उस हीट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो गए, उस हीट को इजीली यू नो बेयर कर पा रहे हैं, बट उन्हीं के साथ जो और बैक्टीरियाज डेवलप हुए हैं वो हीट को बेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो डाई हो जा रहे हैं, तो ये एक चीज़ है जो इन्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, हम ह्यूमन बींग के अंदर भी होते हैं, ऐसा नहीं है हम ह्यूमन बींग के अंदर भी होते हैं, हमारी जो आगे वाली जनरेशन है जिस तरह से वेदर चेंजेस हो रहे हैं और ड्यू टू यू नो पॉल्यूशन ड्यू टू और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन, तो उनसे वेदर में चेंजेस हो रहे हैं, वेदर जो है डिले हो जा रहे हैं, अगर बारिश का जो एक यू नो मंथ है कि इस मंथ में बारिश आती है इस मंथ में ठंड पड़ता है, तो उससे वो आप आजकल देखोगे बहुत डिले हो के स्टार्ट हो रही है, ठंड भी बहुत डिले, पहले नवंबर से शुरू हो जाती थी अक्टूबर से शुरू हो जाती थी, अभी दिसंबर से शुरू हो रही है, कभी कभी दिसंबर मिड से लास्ट से शुरू हो, तो ये क्या है ये इन्वायरमेंटल चेंजेस है, तो अब धीरे धीरे हमारी बॉडी अडॉप्ट करी हमारे बाद की जनरेशन और अच्छे से अडॉप्ट करेगी और बात हो सकता है कि आगे की जनरेशन में वैसी रेजिस्टेंसी आ जाए वैसी पावर आ जाए कि हाई टेम्परेचर जिस हिसाब से गर्मी में बढ़ रहा है वो उससे ईजिली बेयर कर सके, हम ना कर पा रहे हों बट हमारी एक दो जनरेशन बेयर कर जाए आगे की जनरेशन, क्योंकि उनके अंदर वो रेजिस्टेंस पावर आ रहा है, हम थोड़ा थोड़ा बेयर कर रहे हैं, हमसे जो रेजिस्टेंस पावर हमारी प्रोजेनी में जाएगा हमारे ऑफिस स्प्रिंग में जाएगा वो हमसे थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से बेयर कर पाएंगे, उनके अंदर वो बेयर कैपेसिटी होगी तो जो उनकी प्रोजेनी आएगी वो उससे बेटर रेजिस्टेंस शो कर पाएगी, तो ये सब क्या है ये सब इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं जो होता है, ये हेरिडिटरी नहीं है, हम इसको हेरिडिटरी काउंट नहीं करेंगे कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगी, बट हाँ कुछ ना कुछ उसका पॉइंट जो है पेरेंट्स से जा सकता है और ये चेंजेस धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एक बड़ा सा चेंज का यू नो फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि भाई
वुमेन को सर्वाइव तो करना है ना, चाहे किसी भी टाइप का वेदर हो, चाहे किसी भी टाइप की कंडीशन हो। अगर रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है तो वुमेन उसके अकॉर्डिंग अपना यू नो घर बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग फसलें उगा रहा है कि जिससे डैमेज फसलों का ना हो और उसको पूरे साल का खाना मिल सके। तो सेम कंडीशन है, हमारी बॉडी भी कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए अडॉप्ट कर रही है, कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए रेजिस्टेंस हो रही है। अभी जैसे कोरोना वायरस की ही अगर हम बात करें लेटेस्ट, तो कोरोना वायरस क्या है, एक वायरस है जो हर कुछ टाइम के बाद दूसरे दूसरे वेरिएंट में चेंज हो रहा है, यानी उसके अंदर म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन भी वन काइंड ऑफ चेंजेस है, ठीक है, वन काइंड ऑफ वेरिएशन है। तो क्या कह रहा है, वायरस भी धीरे धीरे अलग अलग वेरिएंट उसके आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के वो वेरिएशन शो कर रहा है। अब उससे अगर हम अपनी बात करें तो वायरस तो वेरिएशन शो कर रहा है, बट हमारी बॉडी भी कहीं ना कहीं उस वायरस से यू नो फाइट कर रही है, उसमें जो सर्वाइव कर जा रहा है वो सर्वाइव कर जा रहा है, जो नहीं कर पा रहा वो नहीं कर रहा है, बट हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट फाइट कर रही है। अब अगर ये वायरस ऐसे चलता रहा तो नेक्स्ट हमारी जो जनरेशन आएगी शायद उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर आ जाए इस वायरस से लड़ने के लिए, या फिर ये वायरस उन पर इतना इफेक्ट ना कर पाए जितना हम पे इफेक्ट किया है। तो ये सब भी एक इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं जो हेरिडिटी नहीं है, बट उसके कुछ इफेक्ट जो है जनरेशन टू जनरेशन जाके एक रेजिस्टेंस पावर में डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन है, ये थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होते होते एक एक जनरेशन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शो होने लगता है। हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअली भी मैंने बैक्टीरिया का जो एग्जांपल दिया है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है। ठीक है, चलो तो एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन में देखते हैं मैंने क्या पॉइंट लिखा है। द सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेरिएशंस शो अप ओनली इफ इट इज कंटिन्यू टू बी इनहेरिटेड बाई द ऑफस्प्रिंग फॉर सेवरल जनरेशन। जो सिग्निफिकेंट है वेरिएशन का वो तभी शो होगा जब वो एक्युमुलेट होकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सक्सेसिवली जो है पास होता जाएगा। ठीक है, अगर वो सक्सेसिवली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं हो पा रहा तो वो वेरिएशन नहीं है। ठीक है, तो जो वेरिएशन है अगर इस जनरेशन में बहुत माइन्यूट है, हम नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो हो सकता है दूसरे जनरेशन में वो उससे ज़्यादा दिखे, उससे ज़्यादा एक्युमुलेट हो जाए, तो हमें वो ज़्यादा ऑब्जर्व हो, तो हम समझ पा रहे हैं कि अरे ये है वेरिएशन, ये बच्चा जो है इनसे डिफर है, या इस बच्चे ने एक डिफरेंट टाइप का इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, एक अपने पेरेंट्स से अपनी जनरेशन से एक दो जनरेशन से काफ़ी बेटर है हर स्टेट में। तो यही है कि जो एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन हो रहा है, द सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेरिएशन अप ओनली इफ इट कंटिन्यू बी इनहेरिटेड बाई द ऑफस्प्रिंग सेवरल जनरेशन। अगर हमारे पेरेंट्स से हमारे हमसे हमारे बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में अगर वेरिएशन धीरे धीरे कंटिन्यू होता होता जाएगा, तब जाके एक बड़ा सा वेरिएशन सामने आएगा, हम उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि वेरिएशन जो हो रहे हैं वो बहुत लिटिल बिट हो रहे हैं, वो पूरी तरह से हम नहीं समझ पा रहे हैं, बट वो धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन एक के बाद एक सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा, इनहेरिटेंस हो जाएगा। इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो यहाँ पे अगर वेरिएशन का भी ट्रांसफर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन हो रहा है और कई जनरेशन होते होते हमें एक बड़ा सा वेरिएशन देखने को, एक सक्सेसिव वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो ये है वेरिएशन के सिग्निफिकेंस। ठीक है, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू अ स्पीसीज इज दैट इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। बिल्कुल राइट, इट इज़ वेरी ट्रू, बिकॉज अभी मैंने इन्वायरमेंटल वेरिएशन या इन्वायरमेंटल चेंजेस की बात बताई कि किस तरह से वेदर चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से हीट वेव्स आते हैं, किस तरह से टेम्परेचर बहुत राइज हो जाएगा किसी किसी साल, किसी किसी साल कितनी बारिशें हो जा रही हैं, नए नए वायरसेस आ रहे हैं जो बॉडी पे अटैक कर रहे हैं ह्यूमन की, नए नए यू नो वायरसेस बैक्टीरिया जो है फसलों पर इफेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म पे, एनिमल्स पे, ह्यूमन बींग पे इफेक्ट कर रहे हैं, नई नई डिसीज आ रही है। तो क्या हो रहा है, ये सब इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से आ रहा है। तो वही वेरिएशन वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जो उनसे अच्छे से फाइट कर पाए और अपने आप को सर्वाइव कर पाए इस इन्वायरमेंटल चेंजेस में। ठीक है, जैसे एग्जांपल है हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया का, मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जो है
उन्हीं बैक्टीरिया से बना हुआ है जो हीट रेजिस्टेंस नहीं थे, बट जब वो पेरेंट्स से नए बैक्टीरिया जो बने उनमें कुछ में हीट रेजिस्टेंसी की पावर थी, कुछ में नहीं थी। ऐसा नहीं कि जितने भी बने सबके अंदर हीट रेजिस्टेंस की पावर आ गई, नहीं, उनमें से 2 या 5% बैक्टीरियाज के अंदर हीट रेजिस्टेंस की पावर आ गई जो हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो क्या होगा वो नेक्स्ट जनरेशन में उनकी पावर उनके जो भी नेक्स्ट जनरेशन है उनमें ट्रांसफर होगी। तो ये क्या है, सर्वाइवल है जो इन्वायरमेंट के हिसाब से हो रही है। सब सर्वाइव कर जाए, सबके अंदर वो चेंजेस आ जाए, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। ये सब जरूरी नहीं कि सबके अंदर ही उतनी चेंजेस दिखने लगे या सब सर्वाइव करने लगे। हम लोग ने एक एग्जांपल बहुत पहले लिया था कुछ चैप्टर पहले की जिराफ का, जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। हर वेरिएशन में इस एग्जांपल को जरूर दिया जाता है कि जो जिराफ थे पहले के उनके जो नेक थी वो शॉर्ट थी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम प्लांट छोटे छोटे थे, वो इजीली उसको खा लेते थे, ठीक है। बट जैसे जैसे चेंजेस आते गए, प्लांट की हाइट बढ़ती गई, तो क्या हुआ, जो छोटे छोटे शॉर्ट हाइटेड थे वो तो खा ही नहीं पा रहे थे, वो उचक उचक के खाने की कोशिश जो कर रहे थे वो उस जनरेशन में नहीं, मगर उनसे जो नया जनरेशन आया उसकी जो गर्दन हो गई उचकने से, उसको कैप्चर करने से, उसको खाने से, जो उनकी गर्दन के मसल्स में जो खिंचाव आया उससे उनकी नेक जो है वो अब नेक्स्ट जनरेशन में बड़ी होने लगी, मतलब लंबी होने लगी, जिससे वो उस फूड को अपने जो प्लांट्स हैं उनको ईजिली खा पा रहे थे। और जो नहीं खा पाए, जिनकी गर्दन शॉर्ट थी, जिनकी गर्दन में या मसल्स स्ट्रेच नहीं हो पाए, वो मर गए, वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ये बहुत ही पुराना एग्जांपल है, तो मैंने सोचा इसको भी यहाँ पे दे दो ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो जिराफ जिनके मसल्स में स्ट्रेन आया या जिसके मसल्स स्ट्रेच हुई उससे उनके नेक लंबी हुई, उनके नेक जनरेशन में लंबी नेक आई, तो वो सब क्या हुआ, इन्वायरमेंट चेंज आया, तो वो उस फूड को आराम से खा पाए। और जिनके अंदर नहीं आ पाए, जो स्ट्रेच नहीं कर पाए, वो सर्वाइव नहीं कर पाए इन्वायरमेंट में, ठीक है। उसके बाद है, ऑर्गेनिज्म नीड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर देयर सर्वाइवल। हीट टू न्यूट्रेटिंग बैक्टीरिया फ्लोरिश बेटर इन हीट वेव। सेलेक्शन ऑफ वेरिएशन और वेरिएंट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। यानी यहाँ पे ये बोल रहा है कि वही लोग सर्वाइव कर पाए जिसके अंदर वो पावर थी, वो रेजिस्टेंसी थी इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने की। और यही चेंजेस धीरे धीरे इवोल्यूशनरी प्रोसेस में बदल जाता है, जो हम बोलते हैं ना इवोल्यूशन आ गया। इवोल्यूशन ऐसे नहीं आ जाता सडनली, इवोल्यूशन की प्रोसेस बहुत सालों पहले से स्टार्ट हो चुकी रहती है, जो हमें दिखती नहीं है, हम उसको नहीं देख पाते हैं, बट वो स्टार्ट हो चुकी रहती है। अब वही धीरे धीरे चेंजेस, वही धीरे धीरे वेरिएशन सालों थाउजेंड ईयर्स के बाद एक इवोल्यूशन का रूप ले लेती है, एक बड़ा सा इवोल्यूशन का प्रोसेस जो होता है वो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका रहता है, बट उसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस में जो धीरे धीरे वेरिएशन दिख रहा है वही एक बड़ा सा चेंज लेके आती है, एक बड़ा सा इवोल्यूशन लेके आती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो डायग्राम है बहुत नोन डायग्राम होगा क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम बना हुआ है। ये एसेक्सुअल जो है बैक्टीरिया की बात करें, वो एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का डायग्राम है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या है, वन पेरेंट्स इन्वॉल्व है। तो एसेक्सुअल में ही वन पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे क्या है, एक बैक्टीरिया है जो बहुत नॉर्मल सा दिख रहा है, बट उसके बाद भी जब वो रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, तो उससे जो दो बैक्टीरिया बने उसमें हल्के हल्के डिफरेंस आ गए, जो इतनी माइन्यूट थी कि हमने उसको ऑब्जर्व नहीं किया, ठीक है। क्या हुआ, ये पूरा ब्लैक है, बट जो माइन्यूट डिफरेंसेस आए कि उसके नीचे के पार्ट हल्का सा रेडिश हो गया और यहाँ पे हल्का सा ग्रीनिश हो गया, बट हमको वो नहीं दिखा क्योंकि वो इतना माइन्यूट था कि हमको नहीं दिखा। उसके बाद जब इनसे नेक्स्ट जनरेशन आई तो वो चेंजेस उससे ज़्यादा हुए,
उससे ज़्यादा हुए तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व नहीं किया, बट यहाँ पे वो चेंजेस उससे ज़्यादा हुए तो हमें कहीं ना कहीं पता चला कि अरे ये थोड़ा सा तो डिफर है अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से कह सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसे हुआ, यहाँ पे भी वो अपने फादर अपना जो भी पेरेंट्स है उससे डिफर कर गए और थोड़े से चेंजेस आ गए हैं, थोड़े से वेरिएशन यहाँ पे दिख रहे हैं। अब ये वेरिएशन धीरे धीरे एक्युमुलेट होगा जनरेशन टू जनरेशन, एक सक्सेसिव जनरेशन को पार करेगा, यानी जनरेशन टू जनरेशन कई जनरेशन के बाद एक नए टाइप का बैक्टीरिया जो है वो आ जाएगा, जो एक इवोल्यूशनरी चेंजेस होगा उसके अंदर फार बेटर एडॉप्टेशन होगा, चाहे वो हीट से रिलेटेड हो, चाहे एनवायरमेंटल चेंजेस से रिलेटेड हो या किसी भी टाइप का हो, बट इनसे एक डिफर एक अलग वेरिएंट बनेगा जो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा और इनसे ज़्यादा उसके अंदर यू नो एडॉप्टेबिलिटी रहेगी किसी भी इन्वायरमेंट को झेलने की जो उनके पेरेंट्स में नहीं थी। तो ये क्या है, ये एक है डायग्राम बैक्टीरिया का जो दिखा रहा है कि वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन किस तरह से एक्युमुलेट हो रहे हैं एक सक्सेसिव वे में, जो एक इवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आते हैं, काफ़ी टाइम लगता है बट लेके आते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, वेरिएशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन इन द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में भी किस तरह से वेरिएशन का एक्युमुलेशन होता है, ये हम लोग ने यहाँ पे देखा। लास्ट वीडियो में शुगर कैन का भी मैंने एग्जांपल लिया था जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हुई थी, क्योंकि ये सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अगर शुगर कैन की फील्ड में आप जाओगे तो आपको डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे, बट रियल में वहाँ पे उस फील्ड में कुछ एक पॉइंट दो पॉइंट डिफरेंस होगा ही होगा जो हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि वो इतना माइन्यूट होगा कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन आता है बट बहुत माइन्यूट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है जो हमें दिखने लगता है जनरेशन टू जनरेशन, ईजिली हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना माइन्यूट होता है कि उसको एक बड़ा सा सक्सेसिव जनरेशन चाहिए वेरिएशन ला के शो होने में, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, हम विद इन वन एंड टू जनरेशन काफ़ी अच्छे से वेरिएशन को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टार्टिंग के टॉपिक। अब हम जो नया टॉपिक लेके आएंगे वो होगा मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ में कुछ छोटी छोटी माइनूट चीज़ें ऐसी हैं जिनका टर्म्स ऐसे हैं जिनको हम पहले जान लेंगे, जैसे है जीनोटाइप या फिनोटाइप। अगर हम जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस की बात हम कर रहे हैं वो अगर चेंजेस आते भी हैं तो फिनोटिपिकली हमें दिखाई देते हैं। फिनोटिपिकली मतलब कि बाहर के अपेरेंस में चेंजेस हमको दिखाई देते हैं, बट ये जीनोटिपिक चेंजेस हो ये ज़रूरी नहीं है। जीनोटिप मतलब उनके जीन में ये चेंजेस आ जाए कि जीन ही चेंज हो जाए और वो नेक्स्ट जनरेशन में फिर वो जीन्स जाके दूसरा टाइप का वेरिएशन ला दे, ये नहीं हो सकता है। एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं वो मैक्सिमम मोस्टली वो फिनोटिपिक चेंजेस होते हैं। ठीक है, वो फिजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, बट जीन में चेंजेस इन्वायरमेंट की वजह से आ जाए ये नहीं होता है। ये चेंजेस म्यूटेशन वगैरह की जो प्रोसेस होती है उसमें ऑब्जर्व किया गया है, उसमें नोटिस किया गया है, बट अगर इन्वायरमेंटल चेंजेस की बात करें तो वो फिजिकली चेंजेस दिख जाएंगे, बट जीन में चेंजेस जो होते हैं वो इन्वायरमेंटल चेंजेस नहीं ला पाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगा अभी यहीं पर मैं बता दूँ, क्योंकि इन्वायरमेंटल चेंजेस की बातें हो रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में यही सब टर्म जीनोटाइप्स फिनोटाइप्स डोमिनेंट रिसेसिव एलील फैक्टर्स प्रोजेनी, ये सब जो छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आगे मेंडल्स लॉ में यूज होंगे, पहले हम उसको थोड़ा समझ लेंगे, देन वी विल स्टार्ट द मेंडल्स लॉ। ओके, तो आज का डिस्कशन आई होप समझ में आया हो, क्योंकि ये एक पूरा डिस्कशन ही है जिसको समझना है, इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, कोई ज़्यादा नोट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा है कि आप इसको समझ लो देन लिख तो पाओगे। तो आज के लिए इतने ही, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।